हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का पहले पार्ट का टॉपिक लेंगे वैद्य क्षेत्र की तीव्रता। पिछले टर्म पर हमने आपको कूलाम का नियम समझाया था। कूलाम के नियम के अंतर्गत ही ये टॉपिक है अपना। तो वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा होती है कि वैद्य क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्य क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्य क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो है सूत्र बनता है, जैसे कि मान लो, माना कि वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ई है और परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या है, F। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, F बटे Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है बच्चों, और इसकी दिशा जो होती है धन से ऋण की ओर होती है, धन आवेश से लेके ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम होता है और इसकी विमा होती है ml t की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस 1। ठीक है, इसके बाद अपन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक निगमन करेंगे। किसी बिंदु पर रखे आवेश के लिए अपन वैद्युत क्षेत्र के सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक आवेश रखा हुआ है और ये यहाँ पे r दूरी पर है, यहाँ पे प्लस q आवेश रखा है और यहाँ पे q जीरो रखा है परीक्षण आवेश। तो इसको लाने में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है कि f बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। तब f बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू वन की जगह आ जाएगा q और क्यू टू की जगह क्या लेंगे, परीक्षण आवेश क्यू जीरो। ठीक है, बटे में आर स्क्वायर, क्योंकि ये बल आ गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या है, एफ बटे क्यू जीरो। तो एफ बटे क्यू जीरो, जहाँ एफ का मान रख देंगे हम यहाँ पर, एफ बराबर कितना निकाला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर, ये मान अपन उठा के यहाँ पे रख देंगे। तब E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर, और क्यू जीरो जो का तो आ जाएगा, क्यू जीरो को क्यू जीरो से काट देंगे। तब E बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके,